हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, डेट है आज की 11th अप्रैल और सुबह के 11:30 बजे हुए हैं। प्रॉफिट्स हमने ऑलरेडी फ्राइडे वाले दिन बुक कर लिए हैं, जो शॉर्ट ट्रायंगल हमने ट्यूसडे के दिन डिप्लॉय करा हुआ था। आज मुझे वीडियो एडिटिंग के लिए टाइम मिला है, तो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखी है, उनका सिर्फ कॉम्बिनेशन करके वीडियो में अभी डिप्लॉय करने वाला हूँ। जो भी मेरे दोस्त हैं जिनको शॉर्ट ट्रायंगल क्या होता है वो नहीं पता है, उनके लिए मैं एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। अगर आपका मार्केट को लेके व्यू एक न्यूट्रल है, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि मार्केट इस रेंज में ही इस हफ्ते या फिर इस महीने रहने वाली है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर वाले कॉल को शॉर्ट सेल कर सकते हो और इसके मतलब सपोर्ट के नीचे वाले पुट्स को शॉर्ट सेल कर सकते हो। दोस्तों, इसे बोला जाता है शॉर्ट ट्रायंगल, जो कि मैं हर हफ्ते डिप्लॉय करके आपको दिखाता हूँ और उसकी लाइव रिकॉर्डिंग करके भी दिखाता हूँ। तो इसी हफ्ते मैंने यही डिप्लॉय किया था और जिसमें मैं 2% का प्रॉफिट लेके निकला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि मैंने शॉर्ट ट्रायंगल क्यों डिप्लॉय करा हुआ था। शॉर्ट ट्रायंगल में आपकी तभी रिस्क ज्यादा होती है जब अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है नीचे के साइड या इधर ऊपर के साइड, क्योंकि जब ये रेंज ब्रेक होगी तो मार्केट वन साइड डायरेक्शनल मूव ले लेता है। तो बहुत सारे मतलब लोग होते हैं वो शॉर्ट ट्रायंगल को आयरन कॉन्डोर में भी कन्वर्ट करते हैं। आयरन कॉन्डोर में क्या होता है, जैसे कि आपने अभी इसके ऊपर के कॉल शॉर्ट करे है और इसके नीचे की पुट शॉर्ट करी है, तो आप एज अ प्रोटेक्शन मतलब एज अ इंश्योरेंस क्या करते हो, इसके और ऊपर वाले कॉल्स को बाय करके रखते हो और जब भी ब्रेकडाउन होता है तो इसके नीचे की जो पुट्स होती है उसको बाय करके रखते हो। वो आपका हेज एक बेसिकली हो जाता है, जिसे आयरन कॉन्डोर भी बोला जाता है। मेरे आने वाले वीडियोस में मैं वो भी स्ट्रेटेजी आप लोगों को डिप्लॉय करके दिखाऊंगा। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि शॉर्ट ट्रायंगल मैंने क्यों डिप्लॉय करा हुआ था। तो दोस्तों, डेट है आज की 6th अप्रैल, दोपहर के 12:15 बज रहे हैं। यहाँ पे 15,200 की कॉल और 14,050 की पुट हम शॉर्ट सेल करने वाले शॉर्ट ट्रायंगल के बेसिस पे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बास्केट बना के रखा हुआ है, उसको मैं सिर्फ अभी एग्जीक्यूट करूंगा जहाँ पे मुझे 1.5 लाख का मार्जिन लगने वाला है। तो बास्केट को मैंने कर दिया एग्जीक्यूट और राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे होंगे कि मेरी कॉल और पुट दोनों शॉर्ट हो चुके हैं। तो ऑर्डर बुक में आपको लेके चलूंगा अभी, या पोजिशन बुक में देखते हैं हम क्या हमारा पोजिशन है। जी हाँ दोस्तों, 14,000 की पुट और 15,200 की कॉल हमने शॉर्ट सेल कर रखी है। यहाँ पे आई थिंक गलती से मैंने यहाँ पे 14,000 सिलेक्ट करके रखा हुआ था, लेकिन आई हैड डिसाइडेड टू शॉर्ट 14,050 की पुट, तो यहाँ पे हमें मॉडिफिकेशन करना होगा। इसको मैं तुरंत एग्जिट कर दूंगा क्योंकि वहां पे प्रीमियम 4-5 रुपए से कम है, तो इसको मैंने एग्जिट कर दिया है आप लोगों के सामने। बास्केट में गलती से मैंने एक पुट मतलब एक स्ट्राइक प्राइस नीचे का शॉर्ट सेल कर रखा था, सो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा निफ्टी 14,050 की पुट 31-32 रुपीज के आसपास ये होनी चाहिए आई गेस। जी हाँ दोस्तों, ये चल रही है 30 रुपीज, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट पे क्लिक करके मैं इसको शॉर्ट सेल कर देता हूँ। ठीक है, ये हो चुका है हमारा। तो 30 रुपए 5 पैसे के एवरेज से हमारे पुट शॉर्ट सेल हुए। माइस का ऑर्डर सबसे पहले मुझे कन्वर्ट कर लेने दो नॉर्मल में। ये हो चुका है मेरा नॉर्मल ऑर्डर, तो ठीक है। नीचे वाली जो पोजीशन आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ये मेरे कल वाले मतलब लास्ट वाले हफ्ते का प्रॉफिट बुक किया है और एक उसमें से गलत था हमारा, तो ये वाली दो स्ट्राइक हमने सिलेक्ट कर रखी है और उसको शॉर्ट सेल कर दिया है। दोस्तों, अभी हम चलते हैं और ऑप्स्ट्रा पे अपनी स्ट्रेटेजी डिजाइन करेंगे। दोस्तों, तो अब हम आ चुके हैं ऑप्स्ट्रा पे। ऑप्शन सिलेक्ट करके हमें एक्सपायरी डेट 15th अप्रैल सिलेक्ट करनी होगी और कौन से दो स्ट्राइक प्राइस थे अपने, एक थी अपनी 14,050 की पुट, तो 14,050 पे क्लिक करके इंस्टेड ऑफ सी मुझे यहाँ पे पी सिलेक्ट करना होगा। शॉर्ट का पोजीशन है और एक लॉट हमारा होने वाला है, तो इसको मैं कर देता हूँ ऐड, बाद में हम इसको मॉडिफाई भी कर लेंगे। उसके बाद हमारा कॉल कौन सा था, 15,200 का हमारा आई थिंक कॉल था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, 15,200 का हमारा कॉल था। अभी पुट की जगह पे हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड में कॉल पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे रहेगा अपना कॉल, एक लॉट रहेगा और इसको मैं करूंगा शॉर्ट सेल। तो इसको इस वाली पोजीशन को भी मैं ऐड कर देता हूं तुरंत। तो ये अपनी पोजीशन ऐड हो चुकी है और एग्जैक्टली हम अपने पे ऑफ ग्राफ में सेंटर पॉइंट पे खड़े हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हमारा 78% होने वाला है, जो कि काफी अच्छा है। मैक्सिमम प्रॉफिट हमेशा की तरह 3% का है, जिसमें से हमें सिर्फ 2% खाना है। एज वेल एज यहाँ पे आप देख पाओगे मैक्सिमम लॉस हमारा अनडिफाइंड है, क्योंकि हमने ऑप्शंस को शॉर्ट सेल करके रखा है। जब भी हम ऑप्शन शॉर्ट सेल करते हैं रिस्क अनलिमिटेड होता है अपना। ब्रेक इवन की अगर बात करी जाए तो 13,980 का और ऊपर की साइड 15,260 का हमारा ब्रेक इवन है।
नेट क्रेडिट हमें ऑलरेडी मिल चुका है और हमारा कैपिटल कितना डिप्लॉय हुआ है 1,45,000 के आसपास। ग्रीक्स एक बार देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप डेल्टा को मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। डेल्टा हमारा बता रहा है, रिफ्रेश हो जाने दो इसको, 9.34 माइनस का हमारा डेल्टा है दोस्तों, जो कि मतलब हम न्यूट्रल मान सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली पोजीशन, एक में हमें 200 का नुकसान हो रहा है, दूसरे में हमें 200 का मुनाफा हो रहा है। ये जो पोजीशन थी, ये पिछले हफ्ते की दो पोजीशंस थी और ये हमने गलती से जो डाला हुआ सौदा था उसको हमने मतलब एग्जिट कर लिया है। तो ये वाली पोजीशन हम अब तभी एग्जिट करेंगे जब हमें 2% का मुनाफा हो रहा हो दोस्तों। तो अभी हम निफ्टी के चार्ट पे भी चलते हैं और ये शॉर्ट स्ट्रंगल मैंने क्यों डिफाइन किया, क्यों डिजाइन किया, क्यों डिप्लॉय करा, मेरा मार्केट का क्या व्यू है वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आप लोग भी इस तरह से मार्केट का व्यू लेके अपनी खुद की पोजीशन बना सकते हो दोस्तों। तो चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो ये आ चुके हैं हम निफ्टी के आवरली चार्ट पे और यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे दोस्तों, तो ये एक निफ्टी को काफी अच्छा रेसिस्टेंस है जो कि 15,023 का एरिया बन रहा है। एज वेल एज नीचे की साइड अगर आप सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करोगे ना, तो आपको 14,200 के आसपास वाला, मैं एक बार फिर से ठीक से देखे तो 14,300-14,200 के बीच में, मतलब 14,300 का मोटा मोटी आप मान सकते हो एक अच्छा सपोर्ट है निफ्टी को। तो मेरा व्यू ये रहने वाला है कि मार्केट अगले एक हफ्ते के लिए इसके बीच में ही क्लोज हो जाएगा कहीं ना कहीं पे। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर वाले कॉल को शॉर्ट सेल करा है और नीचे वाले पुट को शॉर्ट सेल करा है। देखते हैं दोस्तों ये वाला ट्रेड हमारा कैसे परफॉर्म होता है। दोस्तों 7th अप्रैल डेट है आज की, दोपहर के ऑलमोस्ट मतलब मार्केट खत्म होने का टाइम हो चुका है। 14,050 की पुट 1,000 रुपए के प्रॉफिट में चल रही है, 15,200 की कॉल कॉस्ट टू कॉस्ट खड़ी है, जहां पे हमें मतलब मोटा मोटी 1,000 रुपए का मुनाफा दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, एक बार ऑफस्ट्रा पे लेके चलता हूं आपको। ऑफस्ट्रा में देखेंगे तो हमारा सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रीक्स क्या चल रहा है। इसको मैं कर दूंगा रिफ्रेश। डेल्टा हमारा 9.80 का डेल्टा दिखाई दे रहा है, जो कि कल के इतना ही न्यूट्रल है, हमें कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पे ऑफ ग्राफ में हम थोड़ा सा हल्का सा ऊपरी साइड पे आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन कोई ज्यादा वरी करने की चिंता नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हमारा 78% से बढ़ के 81% हो चुका है। इस तरह से 1,100 रुपए के प्रॉफिट में हम अभी खड़े हैं दोस्तों। डेट है आज की 8th अप्रैल और दोपहर के ऑलमोस्ट 3:20 हुए दोस्तों। थर्सडे का दिन था आज। जो पुट हमने शॉर्ट सेल करी थी 14,050 की, वो 1,300 के प्रॉफिट में, एज वेल एज हमारी कॉल जो थी वो कॉस्ट टू कॉस्ट आज भी चल रही है दोस्तों, जो कि हमें 33 रुपीज से शॉर्ट सेल करी हुई थी। यहाँ पे आप देख पाओगे 200 रुपीज का नुकसान हमें दिखाई दे रहा है। अभी एक बार हमारा डेल्टा और पे ऑफ ग्राफ हम चेक कर लेते हैं कि क्या दिखाई दे रहा है। ये आ चुके हम हमारे ऑप्स्टा के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे ना दोस्तों, तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 80% के आसपास है और हम थोड़ा सा ऊपरी हिस्से में आज भी ट्रेड कहीं ना कहीं पे कर रहे हैं। लेकिन कुछ ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हमारे ब्रेक इवन से अभी भी काफी दूर है दोस्तों। 350-350 पॉइंट हम अपने मतलब ब्रेक इवन से दूर है ऊपर वाले। एक बार ग्रीक्स पे जाते हैं और ग्रीक्स में डेल्टा देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है। यहाँ पे अगर आप, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, हमारा कॉल और पुट का मिला के डेल्टा फिलहाल के टाइम पे चल रहा है 13.78, विच इज रियली गुड। मतलब कुछ ज्यादा यहाँ पे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। आईवीज भी अगर आप देखोगे तो आईवीज भी नॉर्मल ही है। एक बार हम मार्केट पे आते हैं और यहाँ पे मैं निफ्टी का आवरली चार्ट सिलेक्ट कर लूंगा, मार्केट देख लेते एक बार क्या है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे ना, ये देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। ऑलमोस्ट एक 15,850 का जो लेवल था ना, ये देखो ये कहीं ना कहीं पे एक ब्रेकआउट जैसा इसने किया हुआ है ऊपर, है ना, और यहाँ से रीटेस्ट करके शायद वो और ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन हमें ज्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रेक इवन अभी भी 250-300 पॉइंट दूर है। 15,200 का अपना कॉल है, ये ऊपर आते आते वक्त वो मतलब उतना रिड्यूस उसकी वैल्यू हो ही जाएगी। तो फिलहाल के टाइम पे हमारा मतलब चल रहा है 2,500 रुपए का ओवरऑल प्रॉफिट, लेकिन वो प्रॉफिट हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो बैंक निफ्टी का आपको ट्रेड दिखाई दे रहा है ना, जिसमें मुझे 1,330 का मतलब 1,330 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ये हमारे 2% पे हम नहीं गिनेंगे, क्योंकि ये मेरा था एक्सपायरी स्पेशल वाला ट्रेड मैंने किया था मेरे अकाउंट में, जो की 56 रुपीज पे मैंने 32,700 की बैंक निफ्टी की मतलब पुट शॉर्ट सेल करी थी 12:30 बजे, जो अभी मैंने जस्ट कवर करी है 3:08 पे, जिसपे मुझे 1,300 का प्रॉफिट हुआ है। अभी भी हमारा ट्रेड 2% के प्रॉफिट में नहीं है, तो आज भी हम ट्रेड को बुक नहीं करेंगे, इसको हम कल के लिए अभी कैरी करेंगे दोस्तों। दोस्तों फ्राइडे का दिन है 9th अप्रैल और दोपहर के 2:30 बजे है। आप देख पा रहे होंगे कि 2,980 रुपीज के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है,
जैसे ही ये प्रॉफिट 3000 का आंकड़ा क्रॉस करेगा मैं तुरंत यहाँ पे अपने प्रॉफिट बुक कर लेने वाला हूँ क्योंकि हमारे टारगेट्स वहाँ पे अचीव हो जाने वाले हैं दोस्तों। तो डेल्टा एंड ऑल वो सारी चीजें अभी देखने की जरूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम टारगेट को अचीव करने के कगार पे आ चुके हैं दोस्तों। तो देखते हैं जैसे 3000 का फिगर दिखेगा मैं आपके सामने ये पोजीशन को एग्जिट करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों 3015 दिखाई दे रहा है, एग्जिट पोजीशन पे क्लिक करके मैं तुरंत इसको एग्जिट करने वाला हूँ। ये मैंने कर दिया है आप लोगों के सामने एग्जिट। 3007 ये मुनाफा हमने यहाँ पे बुक कर लिया है इस वाले हफ्ते में, फ्राइडे के दिन ही हमें 2% का मुनाफा मिल चुका है दोस्तों। तो हमें अभी वेट करने की जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने प्रॉफिट्स बुक कर लिए हैं। अभी परसों और कल दो दिन मार्केट को छुट्टी रहने वाली है, सीधी मार्केट खुलेगी मंडे को, बट हम मंडे को कोई भी पोजीशन डिप्लॉय नहीं करेंगे। हमारे रूल के अकॉर्डिंग हम अगले ट्यूजडे को ही पोजीशन डिप्लॉय करेंगे। देखते हैं मैं कुछ नई स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करने की सोच रहा हूँ अगले हफ्ते कुछ, मतलब आयन कॉन्डोर या फिर कोई और स्ट्रेटेजी में डिप्लॉय करके आप लोगों के लिए दिखाऊंगा दोस्तों। तो फिलहाल के लिए बुक करा है हमने 3007 रुपया यहाँ पे। तो इतना ही सिंपल होता है दोस्तों शॉर्ट ट्रायंगल को डिप्लॉय करके हर हफ्ते आराम से 2% आप निकाल सकते हो। बस आपको सिर्फ क्या करना है, आपको मार्केट का जो व्यू है, निफ्टी का जो व्यू है वो प्रॉपरली लेने के लिए आना चाहिए और आपके पास एडजस्टमेंट करने के लिए जो स्किल्स और एडजस्टमेंट के लिए जो कैपिटल लगता है वो कैपिटल रिक्वायर्ड होना चाहिए दोस्तों। तो इतने ही आसानी से आप हर हफ्ते आसानी से पैसे कमा सकते हो दोस्तों। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि आने वाले दिनों में मैं काफी सारी ऑप्शंस रिलेटेड फिक्स्ड इनकम वाली स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। अगर आप दोस्तों चाहते हो कि किसी और स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं आपको मतलब प्रॉफिट कमा के दिखाऊं या फिर वो स्ट्रेटेजी आप लोगों को लाइव मार्केट में ट्रेड करके समझाओ तो वो भी आप स्ट्रेटेजी का नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो, वो स्ट्रेटेजी मैं आपको डिप्लॉय करके बताऊंगा दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो दोस्तों तो आप लोगों के लिए काफी अच्छी खुशखबरी है, मैंने एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन मेरा डेवलप करा है जिसमें आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी फाइनेंस के इंट्राडे के लेवल्स डेली बेसिस पे एक दिन पहले मिल जाते हैं शाम को 6 बजे। तो आप आपका ट्रेड उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो और अगले दिन उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट ट्रेडल, शॉर्ट ट्रायंगल जो भी आपको अच्छा लगता है वो लेवल के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो और मुनाफा इंट्राडे में भी कमा सकते हो दोस्तों। उस एप्लीकेशन की डाउनलोड करने की जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसको आप डाउनलोड करो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसका बेनिफिट आप उठा सकते हो दोस्तों। तो इस हफ्ते के लिए सिर्फ इतना ही, फिर जल्दी मुलाकात होगी अगले हफ्ते में एक नई स्ट्रेटेजी के साथ या मे बी शॉर्ट ट्रायंगल के साथ। तब तक के लिए सेफ रहना, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।